मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, सहाचार्य वनस्पति विज्ञान विभाग, हम बीएससी भाग द्वितीय के फर्स्ट पेपर एंजियोस्पर्म टैक्सोनोमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली है। थर्ड यूनिट के अंदर हमने विभिन्न फैमिलीज़ के बारे में बात की। आज हम फैमिली लिलिएसी के बारे में बात करेंगे। फैमिली लिलिएसी को लिली फैमिली, लिली कुल या प्याज कुल, ऑनियन फैमिली कहते हैं, क्योंकि इस फैमिली का एक सदस्य अनियन, जो कि सबसे पॉपुलर है, इसलिए इसे अनियन फैमिली या प्याज कुल कहा जाता है। यह फैमिली मोनोकॉट में पाई जाती है। अभी तक जो हमने फैमिलीज़ की हैं वो सभी डाइकॉट्स की फैमिलीज़ थी। अब जो फैमिलीज़ आएंगी हमारे पास में, दो फैमिली हैं, लिलिएसी व पोएसी, जो हमारे सिलेबस में हैं, जो मोनोकॉट की हैं। क्लासिफिकेशन देखिए इसका, एंजियोस्पर्मी, मोनोकोटिलिडनी, कोरोनरी व लिलिएसी। इस कुल में 254 वंश, 4075 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह कुल गर्म स्थानों पर पाया जाता है, गर्म समशीतोष्ण व उष्ण कटिबंधीय, वार्म टेम्परेट व ट्रॉपिकल रीजन्स में इस कुल के सदस्य अधिकांशतः पाए जाते हैं। हैबिट अगर देखते हैं तो इस कुल में बहुवर्षीय शाख, पेरिनियल हर्ब्स हैं, क्योंकि इस कुल के सदस्यों में शल्क कंद या बल्ब अथवा राइजोम पाया जाता है, प्रकंद पाया जाता है, जो भूमि में अपने आकार से बड़ा होता है तथा स्टार्च का संचयन करता है। इसके कारण यह पादप बहुवर्षीय हो जाता है, लेकिन देखने में ये शाक 3 से 4 फुट हाइट का ही होता है, इसलिए बहुवर्षीय शाक कहते हैं। इसके कुछ सदस्य आरोही या क्लाइंबर भी होते हैं, एग्जाम्पल है एस्पेरेगस, श्रब का एग्जाम्पल है एलोय, और छोटे व बड़े ट्री, वृक्ष का एग्जाम्पल हमारे पास में युक्का व ड्रसीना। तो भिन्नताएं पाई जाती हैं इस कुल में भी, जिनको हमने उदाहरण से समझाने की कोशिश की है। सामान्यतया इस कुल में असीमाक्ष रसीम प्रकार का इनफ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम पाया जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे स्पाइक या कणिश प्रकार का है, एग्जाम्पल है एलॉय, और छत्रक या अम्बल प्रकार का है, जिसका एग्जाम्पल है हमारे पास में स्माइलेक्स। तो इस प्रकार से पुष्प क्रम में कुछ इसके अपवाद भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पुष्प की। इस कुल में पुष्प ब्रैक्टिएट है, सहपत्री है, बाइसेक्सुअल है, उभयलिंगी, दोनों नर व मादा जननांग पाए जाते हैं, वृंत युक्त है, सवृंती है, पेडिसलेट, त्रितयी है, ट्राइमेरस, एक्टिनोमॉर्फिक है, इसे एक से अधिक अक्ष पर दो समान भागों में विभेदित किया जा सकता है, हाइपोगाइनस है, गाइनोशियम सुपीरियर होने के कारण शेष भाग गाइनोशियम के आधार से उत्पन्न होते हैं, कंप्लीट है, के सी ए व जी चारों अंग पाए जाएंगे, रेगुलर है, बाहर के फिर सी फिर जी और केंद्र में ए फिर केंद्र में जी पाया जाएगा, नियमित है और साइक्लिक है। इस पुष्प में परिदल पुंज पाए जाते हैं, कैलिक्स व क्रोला उपस्थित तो होते हैं, परंतु उन्हें विभेदित नहीं किया जा सकता, इसलिए हम उन्हें पेरियंथ कह देते हैं। परिदल पुंज पाए जाते हैं, कैलिक्स बाह्य दलपत्र या क्रोला दलपत्र विभेदित नहीं है, इसलिए पेरियंथ कहलाता है, और इसकी एक यूनिट, एक इकाई टेपल कहलाती है। तो कुल 6 पेरियंथ पाए जाएंगे, 3 अंदर व 3 बाहर, 3+3 के 2 चक्रों में। पृथक परिदलीय पॉलीपिफिलस है, एक दूसरे से अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं। कोर स्पर्शी या कोर छादी, वेलवेट या इम्ब्रिकेट प्रकार का विन्यास प्रदर्शित करते हैं तथा रंगीन होते हैं। यह इसके पेरियंथ के या परिदल पुंज के करेक्टर्स हुए। इसके बाद में बात करेंगे हम एंड्रोशियम की। इस कुल में कुल 6 पुमंग पाए जाते हैं, जो 2 चक्रों में पाए जाते हैं, 3+3।
पृथक पुंकेसरी हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, परिदल लग्न हैं। हमने पहले बात की थी एपिपेटलस की, दल लग्न की। यदि दल पाए जाते हैं और उनके साथ में एंथर अगर जुड़ा होता है उसे हम दल लग्न या एपिपेटलस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दल और बाह्य दल को विभेदित नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर इसे हम परिदल लग्न कहेंगे, एपिफिलस। नई टर्म आएगी हमारे पास में। द्विकोष्ठकीय हैं, आधार लग्न है, बेसी फिक्स्ड है, तंतु पराग कोशों के आधार पर जुड़ा होता है। इंट्रोर्स हैं, अंतर्मुखी हैं, अंदर की ओर जब स्फुटन होगा तो यह है अंदर की ओर परागकणों का स्थानांतरण करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं गाइनोशियम या जायांग की। जायांग त्रिअंडपीय, ट्राइकार्पेलरी, तीनों अंडप आपस में जुड़े हुए हैं, सिनकार्पस, सुपीरियर है, ऊर्ध्ववर्ती, त्रिकोष्ठकीय, ट्राइलोक्युलर और एक्साइल प्लासेंटेशन के साथ पाया जाता है। वर्तिकाग्र भी त्रिपालित है, ट्राइलोब्ड स्टिग्मा है, यह इसकी एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक है। हम एलियम सीपा या एस्फोडिलस के फ्लोरल फॉर्मूले की बात करते हैं। ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट, P3+3 है, A3+3 है और P और A आपस में जुड़े हुए दिखाई देंगे। G3 है, संयुक्तांडपीय है और सुपीरियर है। आर्थिक वनस्पति में कुछ इसके इंपॉर्टेंट सदस्यों के बारे में बात करें, एलियम सीपा, प्याज, एलियम सटाइवा, लहसुन, एस्पेरेगस ऑफिसिनेलिस, शतावरी, एलोएवेरा, ग्वारपठा, क्लोरोफाइटम, मूसली और लिलियम स्पीसीज, लिली फ्लावर सजावटी पुष्प है, और रस्कस एक्यूलेटस, इसको हम रस्कस कहते हैं। तो ये इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में हुआ। इसका पुष्प चित्र देखें हम, ये पुष्प हमें ट्राइकार्पलरी दिखाई दे रहा है, तीन बाहर के तीन अंदर के, टोटल छह टेपल्स हैं इसके अंदर, छह ही एंथर हैं जो टेपल्स के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रैक्टीट संरचना है, यह हमने एस्फोडिलस, एलियम सीपा व एस्फोडिलस दोनों में समान पुष्प चित्र और पुष्प सूत्र मिलेगा। विद्यार्थियों, इस कुल से जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी आपके लिए अभ्यास हेतु दिए जा रहे हैं। आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। इस कुल से जुड़ी हुई PDF आपको इस ग्रुप में भेज दी जाएगी। धन्यवाद।